गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। शायद नीचे कुछ है इसलिए आपको आवाज आ रही होगी। अच्छा वो सावन खत्म हो गया ना, सो नीचे कोई फिश बेचने आया है। एंड गाइस आज बन रहा है हमारे घर पे चिकन। सो काफी टाइम से वेट था चिकन का, सो आज फाइनली चिकन बन रहा है क्योंकि सावन खत्म हो गया है। और मम्मी के लिए बना रही थी मैं आलू एंड टोमेटो की सब्जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या प्रिपरेशन हो गई है और क्या क्या बाकी है। तो अभी मैं अपने आ चुकी हूँ किचन में और आपको दिखाती हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं यह मसाला फ्राई हो रहा है। आलू डाल दिया मैंने इससे मसाला को, उसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं पानी डाल दूँगी। तो ये सब्जी बन रही है मम्मी के लिए क्योंकि मम्मी नॉनवेज नहीं खाती है। यहाँ पे बन रहा है जीरा राइस। सो गाइज आप प्लीज गाइज मेरी मेहंदी मत देखना, मैं बहुत गंदी मेहंदी लगाती हूँ, मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं अच्छे से। सो बस यहाँ पे बस इसको फ्राई किए, अब पानी में डालना है इसको, बाकी है उसके बाद जीरा राइस रेडी हो जाएगा। और अब दिखाती हूँ चिकन का प्रिपरेशन क्या क्या हो गया है। और अभी मुझे बनाना है रोटी, तो चलते हैं रोटी बनाते हैं क्योंकि मैंने आटा लगा के रख दिया है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये तो मैंने आटा लगा के रख दिया है और रोटी बनाना है। सो गाइज यहाँ बन रहा है बहुत ही टेस्टी वाला चिकन, आप देख सकते हो उसका कलर कितना अच्छा आया है। और मैं बना रही थी किचन में मम्मी के लिए सब्जी क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाती हैं, और यहाँ पे बना रही थी चिकन। तो आप बताना आपको कैसा लग रहा है देख के चिकन का कलर, मुझे तो बड़ा ही टेस्टी सा लग रहा है। और बस यही सब हो रहा था और फिर रोटी बनेगी और फिर खाना वाना होगा हमारा। एंड गाइस हमारा राइस भी रेडी था और हमारे घर पे चिकन के साथ राइस ही खाना सब पसंद करते हैं, तो मैं बस मम्मी के लिए और ख़ुद के लिए रोटी बना रही थी। एंड गाइस हमारी जो सब्जी है वो भी अप्रॉक्स रेडी है, तो बस अभी थोड़ी देर में इसे और चढ़े रहने दूंगी, उस पर उतार दूंगी। एंड गाइस यहाँ पे मैंने आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की है, ना चिकन की और ना सब्जी की, क्योंकि बनाते वक्त वीडियो मैं अच्छे से नहीं ले पाई थी। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ कभी नेक्स्ट डे अगर मैं चिकन बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो अभी बस सब कुछ रेडी हो चुका है और चलते हैं और खाते हैं खाना। हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है ट्यूसडे क्योंकि मंडे को मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया था, तो बस फिर अब मन नहीं था, थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं लग रही थी। सो बस आज ट्यूसडे को अभी बज रहे हैं शाम के 3 और यहाँ से मेरा ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस अभी का सीन ये है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है क्योंकि सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और अभी बनने वाला है कुछ अच्छा सा डिश, मतलब कुछ अच्छा सा लाइक शाम का नाश्ता, जब देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। गाइस कौन कौन अन्नी को मिस कर रहा है मुझे बताना मेरे ब्लॉग में, क्योंकि अभी दीदी और अन्नी चले गए तो घर में बहुत ज़्यादा शांति हो गई है। अन्नी रहती है तो हमेशा हाय गाइस करती रहती थी, बट अभी वो नहीं है ब्लॉग में तो मुझे भी बड़ा वो लग रहा है, शांति शांति वाला एकदम ब्लॉग लग रहा है मेरा। सो आप भी बताना जो लोग भी अन्नी को मिस कर रहे एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और पीहू अभी नीचे खेलने गई है, थोड़ी देर पहले मुझे वो बोल रही थी कि मुझे भी ब्लॉग मिलो मुझे भी ब्लॉग मिलो, बट उस वक्त मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी। अभी होती तो मैं उसको ले लेती, बट अभी वो नीचे खेलने गई हुई है। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपने लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता। और गैस करो मैं क्या बनाने वाली हूँ, वो मैंने 2-3 ब्लॉग में वो मैंने शेयर किया आपके साथ, चलो नहीं किया हो तो बता देती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी वाला पोहा, और जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। और मैं आपको दिखाती हूँ। ओके फाइन, चलिए फिर चलते हैं और बनाते हैं अपने लिए कुछ टेस्टी सा नाश्ता, अपने लिए नहीं सबके लिए। सो गाइज यहाँ बन रहा है पोहा, क्योंकि सबको पोहा खाने का बहुत मन था और शाम का टाइम है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है तो पोहा से बेटर और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये लगभग रेडी है, चलिए अभी इसे सर्व करते हैं। माय पोहा इज़ रेडी टू ईट और ये देख के काफ़ी यमी लग रहा है, चलिए इसे टेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे सनी खेल रहे थे गेम, एक्चुअली कभी कभी फ्री टाइम में गेम भी खेल लिया करते हैं, और आई थिंक ये शायद फुटबॉल है, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं गेम वेम नहीं खेलती हूँ। एंड गाइस एक ज़रूरी बात है जो मुझे आप लोगों को बतानी है,
कि अब एक गिव अवे चल रहा है एंड गाइस सब लोग इक्वल मेहनत कर रहे हैं उसके लिए कि वो जीत पाए, और ये अच्छी बात है। बट एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो लोग आप लोग इंस्टाग्राम पे आके मुझे पर्सनली मैसेज करते हो कि दीदी मुझे फर्स्ट प्राइज़ देना, मुझे विनर बनाना, एंड बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे हाथ में तो ये नहीं है कि मैं किसी को फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ दे दूँ। बात ये है कि कौन कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और जो लोग भी शेयर कर रहे हैं वीडियो को, जो लोग भी रेकमेंड कर रहे हैं, वो तो आपको पता चल ही रहा होगा क्योंकि आप लोग भी कमेंट्स देखते ही होंगे कि कौन कितना वीडियो को रेकमेंड करता है, कौन कितना शेयर करता है। सो बस देखते हैं कौन जीतता है। एंड गाइस बार बार ये चीज़ मत कीजिए आप लोग कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ देना, मुझे जिताना, मुझे विनर बनाना, मैं सेकंड प्राइज़ नहीं लूँगी, मुझे फर्स्ट ही प्राइज़ चाहिए। प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना कि आप डिसक्वालीफाई भी हो सकते हो, और ये चीज़ मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो अपने आप पे भरोसा रखो और बस मेहनत कीजिए, आप जीत सकते हैं। बस यही मुझे बोलना था, और बस आगे मुझे अभी नहीं बोलना है इस चीज़ के बारे में। आप लोग बस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। सो गाइस अभी हमारा नाश्ता हो गया है, और आज का दिन बस कुछ ऐसा ही था, तो दिन में खाना पीना यही सब हुआ, क्योंकि आज कुछ खास हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं इससे ज़्यादा लंबा ब्लॉग भी नहीं करूँगी, क्योंकि अब देखो मैंने अभी तक अपनी राखी भी नहीं खोली। दीदी ने जो मुझे राखी बांधी थी अभी तक मैंने बांध के रखी है, उनके भाई ने खोल दी राखी बट मैंने अभी तक नहीं खोली है। इसे बोलते सच्चा वाला प्यार। सो गाइस ये देखते हैं, क्योंकि मैं ना जब भी वो रक्षा सूत्र हो या फिर वो राखी हो, कुछ भी हो, मैं खुद से नहीं खोल जाता, कि वो खुद नहीं खुल जाता मैं नहीं खोलती हूँ उसको। सो देखते हैं ये कब तक मेरे हाथों में रहता है। मैं सोचती हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा काम है, और कि गाइस मेरी एक वीडियो जिसको मुझे एडिट करनी है, और वो प्रॉपर ढंग से अभी एडिट नहीं हो पा रहा है। तो बस उसको एडिट करके आप लोगों के सामने बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाला है। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो और वीडियो को शेयर करते रहो, खूब सारा प्यार दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।